एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉक्सी को दिखाया जाता है जो कि हमारे फेट को फाइट के लिए चैलेंज कर रही होती है, बट फेट को कुछ भी पल लेना पड़ रहा होता है। इतने में मिरिया आके उसे समझाती है कि एक महीने से फेट यहाँ पे जब से है वहाँ उसके खिलाफ काफी ज्यादा रिपोर्ट्स है वो आई है, लाइक फेट ने काफी लो की है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। फेट बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, अगर सामने से बंदा मेरी ओर बढ़ेगा तो मैं उसे पेलूंगा नहीं, मतलब ऐसे ही जाने दूंगा कुछ भी। इसी बोलते देखो हमें इसमें वो कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ देखने के बावजूद अगर हम अपने हाथ बांधेंगे तो इसमें गलती हमारी होगी। फेट बोलता है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो रॉक्सी बताने लगती है कि आर्मी ज्वाइन कर लो, अगर तुमने आर्मी ज्वाइन कर ली कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। फेट होता है वो बोलने लगता है कि आपने मेरी परवाह की, अपनी टीम में भर्ती करना चाहा, बट मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मुझे मेरी पैरों में बेड़िया के समान लगती है। रॉक्सी बोलती है कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इसलिए अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। रॉक्सी बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी तलवार तोड़ दूं तो तुम मुझे ब्लेम मत करना, तो फेट बोलता है कि चिंता मत करो, मेरी तलवार ऐसे मटेरियल से बनी है जिसे तुम चाह के भी नहीं तोड़ सकती। अब रॉक्सी हमारे फेट के ऊपर अटैक कर डालती है, दोनों की फाइट एकदम शानदार रूप से शुरू हो जाती है। फेट होता है वो फाइट की शुरुआत में ही समझ जाता है कि रॉक्सी को टक्कर तो दे सकता है पर जीतने की गारंटी है कि नहीं वो उसे खुद नहीं पता है। ग्रिड भी बोलता है कि और नहीं तो भाई क्या, आखिरकार एक होली नाइट से तुम और क्या एक्सपेक्ट करते हो। रॉक्सी बोलती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं होल्ड बैक करने के बिल्कुल मूड में नहीं, और तुम भी ये मजाक के हटके लो। होता है वो बोलने लगता है कि रॉक्सी की रफ्तार काफी बढ़ गई है क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस करती है, और यहीं पर रॉक्सी भी सोच रही होती है कि आखिरकार ये बंदा कर क्या रहा है, हर अटैक को डॉच कर रहा है। एक अटैक का एडवांटेज उठाती ही रॉक्सी होती है वो हमारे फेट के मार्क्स में दरार ला देती है। फेट झट से समझ जाता है कि यहाँ पे रॉक्सी के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है, और रॉक्सी भी बोल देती है कि अगर तुम हमारी टीम ज्वाइन नहीं करोगे तो हम तुम्हारा चेहरा दुनिया के सामने ले आएंगे। इसी पलट के फिर से हमारे फेट के ऊपर अटैक कर दी है उसके मास्क को पूरा तोड़ने के लिए, बट फेट उससे बच के पीछे हट जाता है। रॉक्सी बोलते है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा चेहरा दुनिया के सामने आए तो फाइट को सीरियसली लो, बच्चों की तरह ट्रीट मत करो मुझे। फेट बोलता है कि यही बात है तो ठीक है मुझे मंजूर है, और फेट होता है वो अपनी एक टेक्निक इस्तेमाल करने लगता है जो टेक्निक देख के सारे होली नाइट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि स्पेशली जो ये नाइट टेक्निक होती है वो होली नाइट के द्वारा ही इस्तेमाल की जाती है, बट फेट इसे इस्तेमाल कर रहा है विदाउट एनी होली स्वॉर्ड। रॉक्सी बोलती है कि आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो। फेट बोलता है कि मैंने कहा था पहले ही कि मेरी स्वॉर्ड है वो खास मटेरियल से है वो बनी है, एज यू नो डस्ट स्टोन जो कि एक होली स्वॉर्ड को कंपैरिजन है वो दे सकती है। पर रॉक्सी को ये भी पता चल रहा था कि ये स्किल सीखने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, इसलिए वो बोलती है कहीं तुम पुराने होली नाइट्स तो नहीं हो। फेट बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं कोई होली नाइट नहीं हूँ, वैसे भी जो मैं था वो था और रहा नहीं हूँ, मेरा वर्तमान मायने रखता है ना कि मेरा भूत, और तुम्हारे सामने सिर्फ एक वॉरियर है ना कि कोई होली नाइट, और वो उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। मिरिया को लगता है कि आज तो रॉक्सी गई, यहाँ पे रॉक्सी उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। इतने में ही हमारी फेट की नजर होती है उसके गले के नेकलेस पे पड़ती है। वेल इस नेकलेस के अंदर वही स्टोन लगा हुआ है जो हमारे फेट ने उसे लाके दिया था, वो पत्थर था ना और उसके अंदर से, और इसी बात का एडवांटेज उठा के रॉक्सी उसकी तलवार को उसके हाथ से छुड़वा देती है। फेट भी होता है वो बोलता है कि तुम जीत गई मैं ये मान लेता हूँ। मेरिया काफी खुश होती है क्योंकि रॉक्सी को हारता हुआ वो देखना नहीं चाह रही थी, पर रॉक्सी सब कुछ जान रही थी, तो रॉक्सी बोलती है कि आखिरकार तुमने होल्ड बैक कैसे किया, तो फेट बोलता है मुझे नहीं पता, तो रॉक्सी बोलती है कि मतलब बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। फेट यहाँ से जाने लगता है, इतना में रॉक्सी बोलती है क्या ये तुम्हें तलवारबाजी लॉर्ड आरन ने सिखाई है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये तलवारबाजी सिखाई थी यहाँ पे आने से पहले, तो मैं तुम्हारी टेक्निक को अच्छे से जान पा रही हूँ। रॉक्सी को वो पले आ जाते हैं जहाँ पे आरन ने कहा होता है कि उस बंदे के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, वो बंदा सिर्फ गालिया में गया है यही बता पाऊंगा। रॉक्सी बोलते है कि अगर तुम वही हो तो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। फेट बोलता है अगर मैं हूँ भी तो तुम्हें उससे मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो सीधी सी बात है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं रखना चाहता, वैसे भी गालिया खतरों से भरा हुआ शहर है तो तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना कि मेरा। रॉक्सी वहाँ से जाने लगती है और फेट अपने मन में बोलने लगता है कि यहाँ पे खतरा सिर्फ रॉक्सी को है, मैं तो यहाँ पे पूरा सेफ हूँ। फेट जा रहा होता है इतने में उसकी मुलाकात होती है म्यूगन से। म्यूगन बोलता है कि तुमने उनकी मेरा को हराया था, मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फेट बोलता है कि फरमाइए जनाब, तो वहाँ पे म्यूगन बताने लगता है कि सारे कैमरा और मॉन्स्टर के ऊपर वो सेम मार्क था जो हमें जो सेलामेंडर के ऊपर मिला था। अरे फेट को लग रहा होता है कि कहीं इसके अंदर एरिस का तो कोई हाथ नहीं है ना। इतने में म्यूगन बोलता है कि वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक मॉन्स्टर को एज अ कैमरा के कोर की तरह यूज किया जा सकता है। म्यूगन ये भी बताता है कि उसका पूरा खानदान ही कैमरा के बारे में रिसर्च करने में वो लिपटा हुआ है, लाइक उसकी बेटी बहुत बड़ी रिसर्चर है और उसके गुजरे हुए पिताजी भी एक कैमरा रिसर्चर थे। फेट होता है वो म्यूगन से बोलता है कि देखो कैमरा होते हैं वो बहुत ज्यादा पुराने एंशियंट क्रिएचर्स हैं जिन्हें यहाँ पे गालिया के अंदर है वो बनाया गया था, और अगर तुम अपनी डॉटर को कुछ ज्यादा समझाना चाहते हो तो सीधा उसे मेरे पास ले आओ, यानी कि मेरा को इंट्रोड्यूस करवाना, चेक वेक करना। म्यूगन बोलता है साले मेरी छोरी से मिलना चाहता है, घर पे रहना है कि नहीं रहना। म्यूगन
और फेट होते हैं वो अम्मा बहन पे वो आ जाते हैं और उनकी लड़ाई शुरू होती है। हमें उसी रिसर्चर लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि वेल्डर का क्या सीन है, हार्डो की डेथ के बाद तो जैसे वो पगला ही गया है। उस रिसर्चर या फिर कहें जिसकी भी होती है वो असिस्टेंट बोलते है कि यहाँ पे वेल्ड्रिक होता है वो हार्डो की डेथ से पहले एक स्टोन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। नाम होता है फिलोसोफर स्टोन और स्टोन की काबिलियत ये होती है कि ये किसी भी तरीके के जख्म को पल भर में भर देता है। पर हर एक चीज की एक शर्त होती है, तो ये स्टोन होता है वो हर जख्म को तो भर देता है बट उसके माइंड बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल पा लेता है। अबे हमें फेट को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है वो सो रहा होता है। ज़ेड बोलता है कि देख भाई हमें सबसे पहले है वो ई सेक्शन के जो भी मॉन्स्टर को खत्म कर देना चाहिए, बट फेट का इसके ऊपर ध्यान ही नहीं होता है। वो सोच रहा होता है कि व्रत ने उससे क्या कहा था कि गलती से भी अगर उसका पहला डिवाइन ड्रैगन से पड़ गया तो उसके पास इतने पावर नहीं है कि वो चाह के भी उससे लड़ पाए, तो उसे अपने पीक को है वो टच करना पड़ेगा कैसे भी करके। और हमारा फेट भी यही सोच रहा होता है कि कैसे करके वो आगे बढ़ेगा। इतने में ही बाहर का माहौल होता है वो थोड़ा टेंशन भरा है वो हो जाता है। इतने में ही जो आर्काइल होता है वो भी बताता है कि मैडम ये लफड़ा हो गया है। एक एक मॉन्स्टर का बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट में ग्रुप होता है वो उन लोगों की ओर है वो बढ़ रहा होता है। रॉक्सी के मार्गदर्शन के अंदर सभी लोग होते हैं वो रखवाली के लिए रेडी होते हैं। लोग अपने शहर को खाली कर रहे होते हैं बट फेट होता है वो सारे मॉन्स्टर के लिए लड़ने के लिए बढ़ रहा होता है। वैले मॉन्स्टर की मार्च को डेथ परेड कहते हैं, ये भी हमें हमारे लॉन्डे के बारे में ये वो बताया जाता है। इतना में ही हमारे फेट की नजर जाती है कि रॉक्सी की टीम भी फाइट करने के लिए निकल पड़ी और वो बोलने लगता है कि कब तक तुम लोगों को बचाओगी। रेड बोलता है कि रॉक्सी अपने हिसाब से उस डेथ परेड को संभाल लेगी बट हमारे लॉन्डे की ग्लटनीस के लिए यार कहां उसे पीछे छोड़ेगी। फेट ऐसे तैसे करके उस चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेता है फिलहाल के लिए। जब फेट होता है वो यहाँ पे बढ़ ही रहा होता है, इतने में ग्रीड बोलता है कि भाई कुछ तो लफड़ा लग रहा है, लाइक एक मॉन्स्टर अचानक से दूसरी साइड से अवेक होते हैं बट फिर भी ईस्ट साइड में क्या लफड़ा चल रहा है वो पता नहीं चल रहा। जब फेट अपनी स्किल का इस्तेमाल करके देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने की ओर से कुछ बड़ा आ रहा है और ये चीज होती है वो रॉक्सी की टीम की ओर ही बढ़ रही होती है। हमारे फेट को चिंता होती है कि वैसे भी अगर उनके ऊपर सरप्राइज अटैक होगा तो उनके तो लगने तय है, और हमारा फेट होता है वो अपने बो को लेके रेडी हो जाता है। फेट होता है वो इस बार अपने एरन के द्वारा सिखाई गई एक टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी आधी पावर को अपनी तीर के अंदर डाल के जमीन पे फेंक देता है। जब वो अटैक उस क्रिएचर के ऊपर लगता है वो अचानक से जमीन तोड़ के ऊपर की ओर उछलता है। जब फेट उस क्रिएचर को ढंग से देखता है उसे पता चलता है कि उसके ऊपर भी वो सेम मार्क है जो सेलामेंडर और कैमरा के ऊपर पाया गया था। फेट बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ देता है और अजीब स्माइल देता है। होता है वो क्रिएचर की सारी चीजों को है वो देखने लगता है कि ये कौन है और इसकी जन्म कुंडली क्या है। इतने ही देर में वो मॉन्स्टर होता है वो फेट के ऊपर एसिड की बरसात कर देता है कि मरो भाई, और हमारा लौंडा होता है वो अपनी शील्ड के सहारे बच जाता है। और इसी एसिड के सहारे ये क्रिएचर होता है वो जमीन के अंदर से रॉक्सी की टीम की ओर बढ़ रहा था। फेट होता है वो अपने बो को लेके फिर से रेडी हो जाता है और अपनी 10% पावर अपनी बो को देता है और वो बोलता है कि ग्रिड खत्म कर डाल। देन फिर ऐसा ही वो होता है बट एक अटैक के बाद वो अचानक से वहां से गायब हो जाता है। फेट ये देख के हैरान होता है, इतने में ही वो क्रिएचर हमारे फेट के पीछे अटैक करता है और फेट उससे बच जाता है पर वो क्रिएचर फिर से जमीन के अंदर चला जाता है। फेट को कुछ लफड़ा लग रहा होता है इस वजह से वो उन सारे क्रिएचर के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल क्रिएचर आ चुके होते हैं। अपने ग्रैंड क्रॉस अटैक के साथ वो सभी को हरा डालता है, चला जाता है उस मॉन्स्टर को हराने के लिए। फेट होता है वो सोच रहा होता है कि अपनी बो का इस्तेमाल करते हुए वो सामने वाले क्रिएचर को धड़ मार देगा एंड एकदम सक्सेसफुल होता है। वो उसके मन के अंदर बन चुका होता है बट शायद उसके अटैक रियल में उसके साथ नहीं होते। फेट बोलता होता है ब्रो चल क्या रहा है, मैंने इसकी सोल तक को डिवोर कर दिया है बट ये फिर भी मरा नहीं है। इतने में उसकी नजर ऊपर की ओर जाती है और मिस्टीरियस सा कैरेक्टर ऊपर की ओर से उसे ताड़ रहा होता है, ताड़ नहीं मतलब निहार रहा होता है। बातें क्या हो रही है, फेट को लग रहा होता है कि शायद ये बंदा इरिस है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। वो बोलता है कि कॉपीकैट मेरा मास्क तक चुरा लिया साले। हैरानी की बात ये होती है कि इस बंदे के पास भी एक 7 डेडली सिन वाला जो भी वेपन होता है जो कि काफी मिस्टीरियस लग रहा होता है, गन की तरह होता है। फेट उसके ऊपर अटैक करे उससे पहले ही बाकी के जो स्लाइम वगैरह कह लो वो उसके पास आ जाते हैं। वो फेट के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं कि लग तो ऐसा रहा होता है कि शायद जो बुलेट इनको मारी गई है या फिर इसी बंदे के सहारे ये सारे कांड को अंजाम दिया गया। वो स्लाइम होती है वो फेट के ऊपर अटैक कर डालती है और फेट भी होता है वो बिना कुछ करे उसके मुंह के अंदर चला जाता है बट उसे खाने के बाद फेट उसे चीर के बाहर निकलता है। तभी सामने से बंदा बोलता है अच्छा तो तुमने अपनी स्किल को मास्टर कर लिया लाइक अ रियल ग्लूटन। इतना में हमारे जो लॉन्डे फेट के उसकी आंखों
में धुंधलापन आने लगता है, जस्ट लाइक उसकी पावर खत्म होने लगती है। फेट बोलता है कि मेरी पावर खत्म हो उससे पहले मुझे इस बंदे को हराना पड़ेगा, और वो उसके ऊपर अटैक करता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मुझे हराने से पहले अपनी खुद की वो स्टैटिस्टिक्स देख लो कि किस लेवल पे आगे हो तुम। जब फेट अपने विषय में जानकारी प्राप्त करता है तो उसे पता चलता है कि वो अपनी इतनी पावर यूज कर चुका है कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जिद्दी सा फेट होता है, वो राजी नहीं होता, इस वजह से वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ देता है अपनी तलवार के सहारे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा उसे आसानी से रोक के बोलता है यूजलेस हो तुम बेटे। फेट पीछे जाके गिरता है और अपने ऊपर वो शील्ड लगा लेता है क्योंकि सामने से उसकी ओर गोली बारी है वो हो गई थी। फेट समझ जाता है कि सामने वाला जो बंदा है वो एक अलग ही लेवल पे बिलोंग करता है। फेट होता है वो ग्रीड से बोलता है प्लीज प्लीज मुझे पावर दो, तुम चाहे मुझसे कोई भी प्राइस ले लो, बस मुझे पावर दो, मैं इस बंदे साथ जीतना चाहता हूँ। इधर मेरे सामने से बंदा बोलता है सब खत्म हो गया बेटे, आज तेरी बचने की कोई होप नहीं है। ऐसे ही हमारे फेट के अंदर पावर का अलग ही संचार हो जाता है। तो सामने वाला बंदा भी ये देख के हैरान होता है क्योंकि हमारे फेट ने डोमेन ऑफ ई नाम की जो भी चीज है उसे अचीव कर लिया होता है। फेट होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, बट इस बार वो बंदा भी थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वो अपनी स्लाइम को फिर से बुला लेता है, बट फेट उसे अपनी दहाड़ से ही रोक देता है। फेट उस बंदे को थोड़ा चकमा देने के लिए उसके ऊपर मिट्टी की बरसात कर डालता है और उसके पीछे से वो उसके ऊपर अटैक करके उसका मास्क तोड़ डालता है। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि होली नाइट का वही चमन चूतिया आदमी था। वो बंदा अपने मुंह में विसल डाल के बोलता है कि मैं एरिस जितना इतना दयालु नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें जिंदा भी तो नहीं छोड़ सकता। आसमान की ओर से एक डिवाइन ड्रैगन होता है वो अपीयर होता है, जो कि लिटरली मुझे काफी पसंद आया, जो कि रॉक्सी की ओर बढ़ रहा होता है। और वो बंदा बोलता है कि तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, आखिरकार तू अगर तू बचाना चाहे तो भी नहीं बचा पाएगा। एक तरफ डिवाइन ड्रैगन, वहीं दूसरी तरफ ये नॉर्थन। फेट चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, इतने में डिवाइन ड्रैगन सभी की ओर बढ़ रहा होता है। और जब रॉक्सी की टीम को डिवाइन ड्रैगन दिखता है, सारे लोग होते हैं वहां से भागने लगते हैं, बट रॉक्सी नहीं, क्योंकि वो यहां पे अपने डैड की मौत का बदला लेना चाह रही थी। बट उसके अटैक को देख कर रॉक्सी भी डर जाती है, कांप जाती है, सहम जाती है। जब डिवाइन ड्रैगन का अटैक पड़ता है सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फेट होता है वो सभी को बचाने के लिए आगे खड़ा होता है। ये अटैक होता है वो हमारे फेट के मास्क को चकनाचूर कर डालता है, और यहाँ पे रॉक्सी भी उसके चेहरे को पहचान जाती है। वो पूछती है फेट क्या ये तुम हो सच में, और फेट भी होता है वो मुस्कुरा के पीछे की ओर मुड़ के बोलता है काफी टाइम बाद मिले लेडी रॉक्सी, वेल काफी अच्छा लगता है जब आपके ट्रू साइड को लोग देखें। वेल एपिसोड यहीं पे खत्म, मैं ज्यादा कुछ डायलॉग नहीं बोलूंगा। सायोनारा और बाय बाय।